वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है एक ओलंपियड प्रॉब्लम जो ग्रीस में आया था, ग्रीस ओलंपियड प्रॉब्लम। ये शायद 2000 कुछ करीब ये प्रॉब्लम आया था, सिर्फ 2000 के करीब नहीं, ये इस टाइप का सम बहुत बार आता है। तो ये सम पर्टिकुलर ग्रीस ओलंपिक में आया था, ग्रीस ओलंपियड में आया था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है, एक इक्वेशंस दिया हुआ है और इक्वेशंस पे एक्स वाई जेड तीन इंटीजियर्स है, थ्री इंटीजियर्स है। तो अब आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है ताकि ये इक्वेशन सॉल्व सेटिस्फाई करे, मतलब एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू सेटिस्फाई करे और जेड का वैल्यू भी सेटिस्फाई करे। तो कैसे हम निकालेंगे? तो देखिए, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, हम इस 199 से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब दिस इंटू 1997 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म आपका क्या होगा, 1996 इंटू 1997 डिवाइडेड बाई वाई दैट इज इक्वल टू जेड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू जेड, जस्ट हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब देखिए, ये जो सिंगल टर्म है, ये जो सिंगल टर्म है, मतलब यहाँ पे आपका जो टर्म है 13 इंटू 1997 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका कब इंटीजियर्स होगा, ये आपका कब इंटीजियर होगा, ये आपका कब इंटीजियर होगा, 13 और 97, 13 और 1997 बोथ आर प्राइम नंबर। सो इसको इंटीजियर करने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस वन स्क्वायर मतलब जो आएगा वो एक इंटीजियर मॉडल में आएगा। ठीक है, आप अगर टू या थ्री कुछ भी, मतलब कोई वन छोड़ के कोई भी वैल्यू लेते हो तो ये इंटीजर नहीं आएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस वन। सिमिलरली आप यहाँ से बोल सकते हो, सिमिलरली आप यहाँ से बोल सकते हो 1996 इंटू 1997, इसके नीचे है वाई स्क्वायर, सॉरी इसके नीचे वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का पर्टिकुलर कौन सा वैल्यू के लिए ये इंटीजर होगा, वाई स्क्वायर का पर्टिकुलर कौन सा वैल्यू के लिए इंटीजर होगा। तो हम एक चीज तो हम जानते हैं, एक चीज हम जानते हैं, पर वो चीज क्या है, जो चीज हम जानते हैं वो चीज क्या है, वो चीज है कि 1996 को, 1996 को अगर हम ब्रेक कर दे तो 1996 इक्वल टू, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1996 इंटू 1997 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो 1996 मतलब 4 इंटू क्या आएगा आपका, 4 इंटू 1996 को आप लिख सकते हो 4 इंटू क्या लिख सकते हो, इजीली आप इसको लिख सकते हो कि ये है 4 इंटू 499, ठीक है, ये पार्ट 1996 इंटू 1997 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो ऊपर ऊपर का जो 4 है, नीचे का जो 4 है वो कैंसिल होके आपका एक इंटीजर आएगा, मतलब वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 4 4 कैंसिल होके इंटीजर आएगा। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए, 4। इससे हमको पता चल रहा है वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 आना चाहिए, बिकॉज ये 4 कैंसिल होके ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इंटीजर बनेगा, मतलब वाई आपका क्या बनना चाहिए, प्लस माइनस 2। समझ पाए आप इतना तक, क्यों हम एक्स को प्लस माइनस 1 नहीं और क्यों हम वाई को प्लस माइनस 2 नहीं, बिकॉज ऑफ वी नीड टू प्रूफ दैट इज इंटीजर। सो वी एक्स कंसिडर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, एज इफ हम अगर x माइनस एक्स की जगह पे प्लस माइनस वन दे तो ये मल्टीप्लीकेशन इंटीजर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर की जगह पे वाई की जगह पे प्लस माइनस 2 लेते हैं तो जो कैंसिल आउट होके जो बचेगा वो आपका इंटीजर होगा। इसलिए आपका वाई का जो वैल्यू है, वाई का जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको मिल रहा है, वाई का जो वैल्यू है वो यहाँ से मिल रहा है आपको प्लस माइनस 2। ठीक है, इतना तक। अब हमको जेड का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल हम वैल्यू डाल देंगे 13 इंटू 1997 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स प्लस माइनस वन स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए प्लस माइनस वन स्क्वायर, प्लस 1996 इंटू 1997 बाय वाई स्क्वायर दैट मीन्स प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। अब कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद जेड का जो वैल्यू आएगा वो है 1022 1022 464, ये आपका आ रहा है जेड का वैल्यू 464, ये आ रहा है आपका जेड का वैल्यू इस इक्वेशन से, और एक्स का वैल्यू है प्लस माइनस ऑफ 1 एंड वाई का वैल्यू है प्लस माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को वैसे सोल्यूशन किए।
तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन किया अगर हम फिर एक बार जानना चाहते हैं, तो फर्स्ट पार्ट ये इंटीजर्स होगा, बिकॉज ये इंटीजर है, ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होने के लिए एक्स को प्लस माइनस वन होना चाहिए, और इसको इंटीजर होने के लिए वाई को प्लस माइनस टू होना चाहिए। आप प्लस माइनस वन के लिए एक्स इंटीजर है, प्लस माइनस टू के लिए एक्स इंटीजर है, तो जेड मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक्स की जगह पर एक्स का वैल्यू डाल दो, वाई की जगह पर वाई का वैल्यू डाल दो, आपको जेड मिल जाएगा। ये ग्रीस ओलंपियर में आया था, ग्रीस ओलंपियर मैथ ओलंपियर में आया था, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल भी है। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कहीं भी डाउट है और कहीं भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय।